प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हुआ। ये भैया जब तू रेस से बाहर हुआ तो आजमगढ़ के मोहन के ठगे काया उठ हुआ। आजमगढ़ का लोग नौ विधायक देने हो ना समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन लोग काम का पार्टी का हुआ। हमार सरकार है ना तो हमन कहां से काम करेंगे। तो कहो अखिलेश भैया तोहके तो ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार बने जाते जब तुहार सरकार बनी ना तू प्रधानमंत्री बनवा ना तो तू आजमगढ़ खातिर करवा का। तो भैया हो बहनी हो ढेर भाषण देने की जरूरत ना हमके, हम दो लाइन गाना सुनाओ थे आप लोग के। सोच के करिया मत बनवा आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ के लोग, अरे पूरा देश के लोग मत बनवा आजमगढ़ के लोग। और अगर गलती कैला लो तब सवा बेच दी है कोई मानवा आजमगढ़ के लोग। देश नहीं झुकने दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, तैयार हूं। हाँ 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 मैं भी चौकीदार हूं। तो हमन को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि हमन के दुश्मन कब वो आप उठा के देखे तो घुस के मारल जाए। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए और ऐसा प्रधानमंत्री हमन के मिलल हो श्री नरेंद्र मोदी जी। ये नहीं कि हमन फिर से प्रधानमंत्री बनावल जाए। और हम यह करे खातिर आए नहीं, हम यहाँ काहे आ गए। बहुत लोग पूछला हमसे कि तोके यहाँ आए का जरूरत रहे, हम तनी जरूरत हमारे से रहे कि लोगन के पता चले कि हर यादव अखिलेश भक्त ना देशभक्त। एक बार जयकारा लगा लो, भारत माता की जय। बनी प्रधानमंत्री सुना लो। अब करे के ही इतना तो कुल हो गए, करे के ही कि 12 तारीख के खूब बढ़िया से सवेरे नहा धो के रेडी हो जाए लो, खाना वाना बनाने की जरूरत ना सवेरे ना। पहले बूथ पर जाइया लो, सबसे बड़ा त्योहार है बूथ पर जाके। और यहाँ जिंदाबाद मत करा लो, तू मटमिया दबाने के बाद तू वहां एक बार मन करी तो कह दिया लो जो बेटा नहीं रहू जीत जो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।